जिस प्रकार की रील्स अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय ये रील्स इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही हैं। एंड आप लोग भी इस प्रकार की रील्स को बनाकर अपने इंस्टाग्राम पेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस प्रकार ये वाली रील्स आप लोग को एडिट करनी है, आज की इस वाली वीडियो में आप लोग को सिखाने जाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हमारी फोन की होम स्क्रीन पर। एंड आज की वाली वीडियो हम लोग सीखने जाने वाले हैं BN एप्लीकेशन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक BN एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एंड गाइस, अगर जो वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको सेम वही यूज़ करनी है तो आप इन्हें टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप लोग को अपने BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आते ही गाइस, यहाँ पर आप लोग को अपनी कोई भी दो इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दो इमेजेस हैं, यहाँ पर मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेजेस हैं जो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ाने पर आप लोग को BN एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल होगा, इसको यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देते हैं। एंड इसके बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग को ऊपर ओरिजिनल वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आना है, देन 9 days आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस, हमारा जो फ्रेम रेट है वो इंस्टाग्राम रील की तरह हो जाएगा। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग को ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आ जाना है, देन म्यूजिक वाली बीट पर चले जाना है। एंड ये वाला म्यूजिक आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बीट ऑलरेडी ऐड होके आएंगी, तो आप लोग इसे जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इसके बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फोटो है, मतलब जो हमारा साउंड है वो यहाँ पर आ चुका है। एंड इसमें ऑलरेडी से बीट्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं, ताकि गाइस आप लोग का टाइम मैं यहाँ पर बचा सकूँ, इसलिए मैंने इस पर पहले से बीट्स को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करके बीट्स वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग बीट का टाइम नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड अगर आपको वीडियो में और भी बीट्स को ऐड करना है तो आप वो किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले आपको किसी भी एक मार्क पर आ जाना होगा। एंड यहाँ पर फ्लैग वाला ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, देन यहाँ पर आपकी बीट है वो ऐड हो जाएगी। अगर इस बीट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, देन डिलीट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपकी बीट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी पहली वाली बीट पर आना होगा आप लोग को। यहाँ तक हमारे फोटो को आप लोग को ट्रिम कर लेना, तो सबसे पहले मैं यहाँ तक फोटो को ट्रिम कर लेता हूँ पहली बीट तक। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको सेकंड बीट पर आना है, हमारे सेकंड वाले फोटो को भी ऐसे ही ट्रिम कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को फिर से जाना होगा और यही वाले फोटोज आपको दोबारा सेलेक्ट कर लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी बीट्स ऐड हो रही हैं, इसलिए हमें बार बार इन फोटोज को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो फोटो वो आ चुका है। इसके बाद गाइस, चाहे तो आप ट्रिम पर जा सकते हैं एंड यहाँ से इसे ट्रिम कर लीजिए, देन यहाँ तक हम इसको ले आते हैं। एंड फिर से यहाँ पर आपको उस पर आना है, या फिर गाइस आप लोग चाहें तो इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन शो होने लगेगा डुप्लीकेट का, तो यहाँ पर पहले मैं इस पर डुप्लीकेट पर चले जाता हूँ एंड इसको उठा के हम एंड तक ले आते हैं। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी बीट कहाँ तक आ रही है, तो हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। एंड ये हमारी इस वाली बीट तक भी ऐड हो चुका है। ऐसे हम अपने सेकंड फ़ोटो पे आएंगे, देन यहाँ पर आप लोग को डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको भी हमें अगले वाले फ़ोटो के पास ले जाना है। तो इस प्रकार से पहले गाइज आपको बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फोटोज़ को जो है ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फोटोज़ को जो एडजस्ट कर लिया है। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग को पहले एक फ़ोटो की लेंथ को इंक्रीज़ कर लेना होगा, जो लास्ट की हमारी बीट्स रह गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सी बीट्स, जो हमारी 11th नंबर की बीट है, उसके बाद आप लोग को एक पूरा लॉन्ग फोटो ले लेना है, उसकी ड्यूरेशन आप लोगों को म्यूज़िक के एंड तक कर देनी है। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहली बीट पर आना है अपनी, एंड यहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आना है, देन वीडियो फोटोज़ पर जाना है। एंड यहाँ पर हम दूसरी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, नीचे को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन शो होगा फिल का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन और शो होगा मस्क का, इस पर चले जाना है, देन लाइनर वाले ऑप्शन पर जाना है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को अपनी दोनों उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार से इसको कर लेना होगा। एंड
एंड इसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड जहाँ तक हमारी अगली बीट आ रही है वहाँ तक आपको इसको ले जाना होगा। एंड यहाँ पर आपको अपनी लेयर पर जाना है, देन इसको यहाँ पर हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। देन इसके बाद आपको अगले वाले फ़ोटो पर जाना है अपने, एंड यहाँ पर आपको फिर से मस्क वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा। एंड इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज कर देंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको फिर से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ऐसे आप लोग को अगली बीट पर आना है एंड यहाँ पर हमारी जो लेयर है इसको यहाँ पर हम फिर से स्प्लिट कर देते हैं। देन यहाँ पर आगे वाले पार्ट पर जाएंगे, देन फिर से आपको मस्क वाले ऑप्शन पर जाना है एंड अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बीच में कर देते हैं। देन इसके बाद आपको फिर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अगली बीट पर जाना है एंड यहाँ पर फिर से आप लोग को स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर आगे वाले पार्ट पर आना है एंड देन मस्क वाले ऑप्शन पर फिर से चले आना है एंड हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। गैस यहाँ पर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप लोग इसे बनाएंगे। देन यहाँ पर आप लोगों को करना होगा फिर से स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो लगभग बनकर तैयार हो गई। ये लास्ट वाला स्प्लिट है हमारा एंड इस पर आएंगे, फिर से मस्क वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड इसको यहाँ पर कर देना है, देन राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन जिस भी रेशियो में आप लोग को इसे डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होने लगेगी। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आज की वाली वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।